हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गेट्स एंड सर्किट्स को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे कोई भी अदर गेट नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में लगभग इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हमारे चैप्टर का गोल ये है, आइडेंटिफाई द बेसिक गेट्स एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ईच, डिस्क्राइब हाउ गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। मतलब ये गेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, कंबाइन बेसिक गेट्स इनटू अकाउंट्स, डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ए गेट और सर्किट यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम, ऑल्सो वी डिस्कस कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट ए हाफ एडर एंड ए फुल एडर, डिस्क्राइब हाउ ए मल्टीप्लेक्सर वर्क्स, कैसे मल्टीप्लेक्सर वर्क होता है, एंड एक्सप्लेन हाउ एंड एसआर लैच ऑपरेट्स, एंड ऑल्सो वी डिस्क्राइब द characteristic of the four generation of integrated circuits. Computers and electricity. A gate is a device that perform a basic operation on electrical signals. Gate एक ऐसा device होता है जो अपना operation perform करता है किसी electrical signal के ऊपर. Gates are combined into circuits to perform more complicated task. Combined करके हम gate को काफ़ी complicated task को भी कर सकते हैं. There are three different but equally powerful notations methods for describing the behavior of gates and circuits: Boolean expressions, logic diagrams, and truth table. तो ये तीन different लेकिन powerful हैं circuits और gate का, जो जिससे हम बड़े से बड़े circuits और gates को हम कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस, लॉजिक डायग्राम्स एंड ट्रूथ टेबल। बुलियन एल्जेब्रा क्या है? बुलियन एल्जेब्रा एक्सप्रेशन इन दिस एल्जेब्रिक नोटेशन आर एन एलिगेंट एंड पावरफुल वे टू डेमोंस्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। लॉजिक डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्किट, ईच टाइप ऑफ गेट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्पेसिफिक ग्राफिकल सिम्बल्स। हम हर टाइप के गेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाई स्पेसिफिक सिम्बल, ग्राफिकल सिम्बल, और उसके बाद फिर हम ट्रूथ टेबल से उसको सत्यापित करते हैं। लेट्स एग्जामिन द प्रोसेसिंग ऑफ द फॉलोइंग सिक्स टाइप्स ऑफ गेट्स: नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। टिपिकली लॉजिक डायग्राम्स आर ब्लैक एंड वाइट एंड द गेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड ओनली बाय देयर शेप। सबसे पहला है नॉट गेट। ये नॉट गेट एक्सेप्ट वन इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट वैल्यू। दिस इज वन इनपुट वन आउटपुट। ट्रूथ टेबल, अगर हम इनपुट ज़ीरो देंगे तो आउटपुट वन मिलेगा, अगर इनपुट वन देंगे तो आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। बाय डेफिनेशन इफ द इनपुट वैल्यू फॉर ए नॉट गेट इज ज़ीरो द आउटपुट वैल्यू इज़ वन, एंड इफ इनपुट वैल्यू इज़ वन द आउटपुट इज ज़ीरो। ए नॉट गेट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज एन इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू। इन्वर्ट्स मीन ज़ीरो को वन, वन को ज़ीरो। एंड गेट, एंड गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल्स। इफ द टू इनपुट सिग्नल वैल्यू ऑफ एन एंड गेट आर बोथ वन द आउटपुट इज वन, अदरवाइज द आउटपुट इज ज़ीरो। तो दिस शोइंग द टू इनपुट वोल्टेज एंड सिंगल आउटपुट। ये दिख रहा है कि जहाँ इनपुट दोनों वन है उस केस में वन है, अदरवाइज सारा ज़ीरो है।
एंड के केस में जब दोनों इनपुट वन होंगे तो ही वन होगा, अदरवाइज सभी केसों में ज़ीरो। और गेट इफ द टू इनपुट वैल्यूज आर बोथ ज़ीरो एंड आउटपुट वैल्यू इज ज़ीरो, अदरवाइज द आउटपुट इज़ वन। और गेट के केस में उसका बूलियन एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल ए प्लस बी, दो इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट एक्स। इस केस में दोनों में से कोई भी अगर वन होगा तो वन होगा, दोनों अगर इनपुट ज़ीरो होंगे तो रिजल्ट एंड ज़ीरो, अदरवाइज वन। एक्सओआर गेट और इसी को एक्सक्लूसिव आर गेट भी बोलते हैं। एन एक्सओआर गेट प्रोड्यूसेस ज़ीरो इफ इट्स टू इनपुट्स आर द सेम एंड वन अदरवाइज। नोट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सओआर गेट एंड ऑर गेट, दे डिफर ओनली इन वन इनपुट सिचुएशन, व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल्स आर वन ऑर गेट प्रोड्यूसेस वन एंड एक्सओआर गेट प्रोड्यूसेस अ ज़ीरो। यानी जब दोनों इनपुट सिग्नल वन होते हैं तो ऑर गेट वन प्रोड्यूस करता है और एक्सओआर गेट ज़ीरो देता है। यह है एक्सओआर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन एक्स इक्वल ए डायरेक्ट सम ऑफ बी, डायरेक्ट सम विद बी ए बी, ये सिंबल दिख रहा है जहाँ दोनों इनपुट वन है आउटपुट ज़ीरो। तो और गेट और एक्सओआर गेट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहाँ दोनों इनपुट में वन होता है और यहाँ दोनों इनपुट जब वन होते हैं तो उनका आउटपुट ज़ीरो होता है, बाकी सब सेम है। नैंड एंड और गेट्स, द नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर एसेंशियली द अपोजिट ऑफ द एंड एंड और गेट रिस्पेक्टिवली। जैसे कि हम नैंड को बना सकते हैं एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट बूलियन एक्सप्रेशन है इनका, एंड है बीच में ए डॉट बी एंड, और उसके ऊपर एक प्राइम है जो नॉट का काम कर रहा है एंड नॉट, दिस इज एंड सिंबल और ये है नॉट। ट्रूथ टेबल ज़ीरो इनपुट ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन आउटपुट वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो। तो सिंपल ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्राइम करेंगे वन हो जाएगा, ज़ीरो इंटू वन ए डॉट ए इंटू बी ए इंटू बी, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो इन्वर्ट करेंगे वन, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो इन्वर्ट ऑन इन्वर्टिंग वन एंड वन इंटू वन वन ज़ीरो। सिमिलरली नॉर गेट ए प्लस बी प्राइम, ये है और गेट और ये नॉट। ट्रूथ टेबल ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्राइम वन, ज़ीरो प्लस वन वन प्राइम ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन प्राइम ज़ीरो, वन प्लस वन इज ऑल्सो वन प्राइम ज़ीरो। रिव्यू ऑफ गेट प्रोसेसिंग, ए नॉट गेट इनवर्ट्स इट्स इनपुट वैल्यू, सिंगल इनपुट वैल्यू एंड एंड गेट प्रोड्यूसेस वन इफ बोथ इनपुट वैल्यूज आर वन, जो हमने पीछे देख चुके हैं। एंड और गेट प्रोड्यूसेस वन इफ वन और द अदर आर बोथ इनपुट वैल्यूज आर वन। और का गेट आर गेट में वन प्रोड्यूस होता है जब कोई एक भी वन हो या फिर दोनों इनपुट वैल्यू वन हो। एक्सओआर प्रोड्यूस करता है वन अगर कोई भी इनपुट वन हो एंड इफ वन आर द अदर इनपुट वैल्यूज आर वन। एंड नैंड गेट प्रोड्यूसेस द अपोजिट रिजल्ट ऑफ एन एंड गेट, एंड प्लस नॉट। एन ऑर गेट प्रोड्यूसेस द अपोजिट रिजल्ट ऑफ एन ऑर गेट, ऑर प्लस नॉट गेट विथ मोर इनपुट्स। तो अगर हम दो से ज़्यादा इनपुट लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, गेट कैन बी डिज़ाइन टू एक्सेप्ट थ्री और मोर इनपुट वैल्यूज़। जैसे अभी तक हमने दो इनपुट देखा था ए और बी,
अगर हम उससे ज़्यादा इनपुट लेंगे तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसे होगा। ए थ्री इनपुट गेट, थ्री इनपुट एंड गेट फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ वन ओनली इफ ऑल इनपुट वैल्यूज आर वन। दिस इज तो जब तीनों वैल्यू वन है सिर्फ उसी केस में आउटपुट वन है, अदरवाइज जीरो। यहाँ कर सकते हैं हम डॉट करेंगे, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो इंटू वन वन, जीरो इंटू वन इंटू जीरो जीरो, जीरो वन इंटू वन जीरो। सिर्फ लास्ट केस में वन इंटू वन करेंगे वन आएगा। कंस्ट्रक्टिंग गेट, अब हम ट्रांजिस्टर से कैसे गेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ए ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट एक्ट डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज लेवल ऑफ एन इनपुट सिग्नल आइदर एज अ वायर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और एज अ रजिस्टर दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए ट्रांजिस्टर हैज नो मूविंग पार्ट्स येट एक्ट्स लाइक अ स्विच। ये फिर स्विच की तरह काम करता है। इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल विच इज़ नाइदर अ पर्टिकुलरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज कापर नॉर अ पर्टिकुलरली गुड इंसुलेटर सच एज रबर। ये सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में होती है। तो ना ही ये कंडक्टर से बनता है ना ही इंसुलेटर से बनता है। कंस्ट्रक्टिंग गेट, ट्रांजिस्टर हैज थ्री टर्मिनल्स एंड द कनेक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज एज शोन इन फिगर। ए सोर्स, सोर्स बेस एनीमीटर टिपिकली कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। इफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ग्राउंडेड इट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू एन अल्टरनेटिंग रूट टू द ग्राउंड वेयर इट कैन डू नो हार्म। कंस्ट्रक्टिंग गेट्स, इट्स टर्न आउट दैट बिकॉज ऑफ द वे ऑफ ए ट्रांजिस्टर वर्क्स द इजिएस्ट गेट्स टू क्रिएट आर द नॉट नैंड एंड नॉर गेट्स एज नॉट गेट इनपुट आउटपुट नॉट में सिंगल सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट नैंड में टू इनपुट वन आउटपुट सिमिलरली नॉर गेट टू इनपुट और सिंगल आउटपुट। दोनों के इमीटर पार्ट को हम ग्राउंड करेंगे और यहाँ से इसका आउटपुट और इधर इसका आउटपुट दोनों का कंबाइन आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। सर्किट्स, टू जनरल कैटेगरीज। इन ए कम्बिनेशनल सर्किट द इनपुट वैल्यूज इन ए कम्बिनेशनल सर्किट द इनपुट वैल्यूज एक्सप्लिसिटली डिटरमाइन द आउटपुट बट इन द सिक्वेंशियल सर्किट यानी जो कम्प्लेक्स सर्किट होती हैं सिक्वेंशियल सर्किट होती हैं उनका आउटपुट एक फंक्शन होता है इनपुट वैल्यू का एज वेल एज एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द सर्किट। और वो सर्किट किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। एज विथ गेट्स वी कैन डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ इंटायर सर्किट यूजिंग थ्री नोटेशंस। तो जैसे हम गेट के साथ कर सकते थे उसी तरह से हम सारे ऑपरेशंस डिस्क्राइब कर सकते हैं इन तीन नोटेशन को यूज़ करके। बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक डायग्राम्स एंड ट्रूथ टेबल। गेट्स आर कंबाइन इनटू सर्किट्स बाय यूजिंग द आउटपुट ऑफ वन गेट एज द इनपुट फॉर अनदर। ए बी एंड सी थ्री इनपुट। ए बी इनपुट प्रोड्यूसेस डी एंड ए एंड सी ए विथ सी प्रोड्यूसेस ई एंड देन डी कंबाइन विथ आर गेट एंड गिव द आउटपुट एक्स एंड दिस इज द कम्बिनेशनल सर्किट फॉर दिस सिंबल। This is AND OR तो हम कह सकते हैं A और B combined होके D मिलेगा। D is equal to AB and AC A and C E equal AC and then output equal
AB plus AC, output equal to AB plus AC. This is अब ये सारी वैल्यू हम वहाँ पुट करके निकाल सकते हैं ए बी सी, और ये रहा हमारा आउटपुट। तो अगर हम चेक करेंगे तो ए और बी के साथ हमें सी मिल डी मिलेगा, और ए और सी से हमें ई मिलेगा। यहाँ से ए और बी प्रोड्यूसर्स डी एंड ए एंड सी प्रोड्यूसर्स ई, एंड देन डी एंड ई प्रोड्यूसर्स एक्स, फिर से ए एंड बी प्रोड्यूसर्स डी, ए एंड सी प्रोड्यूसर्स ई, एंड देन डी एंड ई प्रोड्यूसर्स एक्स। बिकॉज देर आर थ्री इनपुट टू द सर्किट, एट रोज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। यहाँ एट रोज हमें चाहिए, दिख रहा होगा एट लाइन है यहाँ पे। हमने देखा था पीछे टू इनपुट में हम फोर रोज यूज़ करते हैं, और थ्री इनपुट के केस में एट रोज यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स गो टू द अदर वे, लेट्स टेक ए बूलियन एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ, कंसीडर द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी। तो हम इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन ए दिस इज और बी एंड सी प्रोड्यूसर्स बी प्लस सी, and then with AND gate A and B plus C produces this, and truth table is like that. Now compare the final result column in the truth table to the truth table for the previous example. दोनों को compare करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों identical, दोनों ही same है. Now let's go to the other way, let's take a boolean expression and draw. We have therefore just to demonstrate circuit equivalence, that is both circuit produce the exact same output and for each input value combination. Boolean algebra allow us to apply provable mathematical principles to help us design logical circuits. Boolean algebra हमें allow करता है कि हम mathematical principle को solve करें logical circuit की help से। मैथमेटिकल प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा। प्रॉपर्टीज हैं कुछ बूलियन एल्जेब्रा की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ। कम्यूटेटिव है ए बी इक्वल बी ए, एंड एंड के केस में, और आर गेट के केस में ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। एसोसिएटिव एंड के केस में ए बी ब्रैकेट सी इक्वल ए इन ब्रैकेट बी सी, एंड आर गेट ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में है एंड गेट ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, एंड और ए प्लस इन ब्रैकेट बी सी इक्वल ए प्लस बी ए प्लस सी। आइडेंटिटी ए इंटू वन इक्वल ए, हम वही एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, एंड के केस में होता है एक्स इक्वल ए इंटू बी, एंड और के केस में एक्स इक्वल ए प्लस बी प्लस बी। सिमिलरली कम्प्लीमेंट एंड डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ इज ए बी प्राइम इक्वल ए डैश और बी डैश, एंड और गेट के लिए ए प्लस बी डैश ए डैश बी डैश। नाउ एडर्स, at the digital logical logic level addition is performed in binary. Binary numbers जानते हैं 0 and 1,
जितनी भी डिजिटल लॉजिकल सर्किट है वो जीरो और वन पे ही काम करती हैं। एडिशनल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय स्पेशल सर्किट्स कॉल्ड अप्रोप्रिएटली एडर। जो एडिशनल ऑपरेशन है वो एक स्पेशल सर्किट के दौरान कैरी आउट होती हैं और उन्हें हम एडर बोलते हैं। एडर्स द रिजल्टिंग ऑफ एडिंग टू बाइनरी डिजिट्स कुड प्रोड्यूस ए कैरी वैल्यू दैट इज 1+1=10 इन base 2। base 2 मीन्स 10, 1 and 2, 1 and 0, 1 and 0, दिस इज base 2। ए सर्किट दैट कंप्यूट द सम ऑफ टू बिट्स एंड प्रोड्यूसेस द करेक्ट कैरी बिट इज कॉल्ड ए हाफ ऑर्डर। ऐसी सर्किट जो दो बिट्स का सम करती है और प्रोड्यूस करती है कैरी बिट, उसको बोलते हैं हाफ एडर। जैसे यहाँ ए एंड बी दो इनपुट, इनका सम करेंगे तो 0+0=0, 0+1=1, कैरी कुछ नहीं होगा, 1+0=1, कैरी कुछ नहीं, लेकिन 1+1 में सम करेंगे तो 0 और कैरी जाएगा 1। यहाँ से 1+1 सम में 0 और कैरी 1, ये है कैरी। एडर सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ए हाफ एडर एक्सॉर लाइक दिस इज एंड टाइप। तो इससे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस टेबल को सम इक्वल ए डायरेक्ट सम एक्सॉर गेट है ये एक्सॉर, और ये एंड एंड गेट। ए सर्किट कॉल्ड फुल एडर टेक्स द कैरी इन वैल्यू इनटू अकाउंट एंड द सिंबल इज दिस ए बी। यहाँ तक पोर्शन दिख रहा होगा हाफ एडर जैसा ही है। इसके बाद कैरी इन को फिर से हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं, देन हमें मिलता है सम और कैरी आउट। दिस इज द ट्रूथ टेबल 0001 कैरी इन। उसी तरीके से 0+0 0, 0+0 0+0 1 कैरी इन, ये हम सम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 0+1+0 1, 0 1 और 1 0, 1+1 ये वाला 1+1 इक्वल टू, तो 1+1=0 10 10, तो 0 इज दिस एंड 1 इज दिस, तो कैरी आउट 1 एंड दिस इज 0। देन 1+0+0 1 कैरी आउट 0, 1+0+0 कैरी आउट 1 क्योंकि फिर से 10। एंड लास्ट वन 1+1+1 तो 1+1 10 एंड देन 1 तो 1 सम एंड 1 प्लस 1 इक्वल 1 सम एंड 1 कैरी आउट 1 1 10 एंड देन अनदर 1 1 1। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज अ जनरल सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट होता है जो प्रोड्यूस करता है एक सिंगल आउटपुट। द आउटपुट इज इक्वल टू द वन ऑफ द सेवरल इनपुट सिग्नल टू द सर्किट। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनपुट सिग्नल्स को हम आउटपुट में लेते हैं जो सबका सम होता है और एक सिंगल आउटपुट हमें मिलता है। द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट विच इनपुट सिग्नल इज यूज्ड एज एन आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए फ्यू मोर इनपुट सिग्नल्स एंड दिस सिग्नल्स आर कॉल्ड सेलेक्टेड सिग्नल और सेलेक्टेड कंट्रोल लाइन्स, जिनसे हम कंट्रोल करते हैं इसीलिए उनको हम कंट्रोल लाइन बोलते हैं और ये उनका सिंबल है।
multiplexer with three selected control lines. So this is S0, S1 and S2. और ये सारे डायोड D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7. द कंट्रोल लाइन्स S0, S1 एंड S2 डिटरमाइन विच ऑफ आइदर अदर इनपुट लाइन्स D0 थ्रू D7 आर रूट टू द आउटपुट F. सर्किट्स को हम मेमोरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं. डिजिटल सर्किट कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. दिस सर्किट फॉर्म ए सिक्वेंशियल सर्किट बिकॉज द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज ऑल्सो यूज एज इनपुट टू द सर्किट. सिक्वेंशियल सर्किट में किसी सर्किट का आउटपुट अगले सर्किट के लिए इनपुट भी बन सकता है. जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि SR latch stores a single binary digit. This is single. इसका आउटपुट हम इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं और इसका आउटपुट यहाँ इनपुट की तरह. देयर आर सेवरल वेज एन SR latch सर्किट कुड बी डिजाइंड यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ गेट्स. सर्किट एज अ मेमोरी. द डिज़ाइन ऑफ दिस सर्किट गारंटीज दैट द टू आउटपुट एक्स एंड वाई आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. द वैल्यू ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट इन द टाइम इज कंसिडर्ड टू बी द करेंट स्टेट ऑफ द सर्किट. देयरफॉर इफ एक्स इज वन द सर्किट इज स्टोरिंग ए वन. इफ एक्स इज जीरो द सर्किट इज स्टोरिंग ए जीरो. सिमिलरली अपोजिट होगा वाई के लिए. एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो कॉल्ड अ चिप इज अ पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन विच मल्टीपल गेट्स हैव बीन एम्बेडेड. दिस सिलिकॉन पीसेज आर माउंटेड ऑन ए प्लास्टिक और सेमिनिक पेजेज ऑफ विथ पिन्स अलॉन्ग द एजेस दैट कैन बी सोल्डर्ड onto the circuit boards or inserted into the appropriate socket. In ICs are classified by number of gates containing them. IC के अंदर काफ़ी गेट इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कुछ नाम है यहाँ SSI small integration. इसमें number of gates use होते हैं 1 to 10. एक MSI होता है medium scale integration 10 to 100 number of gates यूज़ होते हैं. लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 100 to 1 lakh गेट यूज़ होते हैं. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मोर देन लाख गेट्स इन्वॉल्व होते हैं. यह है आईसी सर्किट्स. ये SSI चिप्स कंटेनिंग इंडिपेंडेंट NAND गेट्स. दिस इज NAND गेट AND प्लस नॉट. 1 NAND गेट 2 NAND गेट 3 NAND गेट 4 NAND गेट. तो 4 NAND गेट हैं जिन्हें मिला के बनाया गया और सारे इंडिपेंडेंट होते हैं. इस तरह से आईसी का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं. CPU चिप्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड सर्किट इन द कंप्यूटर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU. Each CPU chip has a large number of pins through which essentially all communication in a computer system occurs. CPU chip एक large number of pins को रखता है जिससे हम communication कर पाते हैं किसी computer system में. Ethical issues, email privacy. Email is the standard means of communication or communications for millions of people, and it's a path from sender to recipient. Email travels from server to server and can be read more easily than a postcard. Supporters of email monitoring state that all correspondence through a company servers belongs to the company and therefore the company has the right to access it at will. कंपनी के पास इसका राइट होता है कि वो इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है.
आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो बीएससी का इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या एमएससी की तैयारी कर रहे हों या नेट गेट जेआरएफ, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।